शास्त्र कहता है कि तत्व का ज्ञान का अर्थ है भगवान का ज्ञान, पर काशी वाले महादेव जी का ऐसा मानना नहीं है। काशी वाले बम बम बोल रहे हैं काशी, वो कहते हैं नहीं भैया, हमने तो पार्वती से दूसरी बात कही है। सारे शास्त्र कहते हैं सबसे बड़े तत्व ईश्वर हैं, भगवान हैं, पर भोलेनाथ अपनी प्रिया पार्वती से कहते हैं, पार्वती गुरुगीता में, कि इस ब्रह्मांड में सबसे बड़े तत्व न गुरोरधिकम तत्व न गुरोरधिकम तपः तत्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। काशी से महादेव जी के चेला प्रकाशानंद सरस्वती, वो जब आए वृंदावन में, अद्वैत के पुजारी थे, ज्योति का ध्यान धरते, पर यहाँ जब वृंदावन में यमुना के पुलिन पर बैठे और संध्या वंदन कर रहे थे और आँख खोली तो देखा कि सामने लहरों पर छोटा सा कन्हैया बंसी बजाता हुआ अटखेलियाँ कर रहा है। आंखें मीची ऐसे करके, ऐसा लग रहा है इल्यूजन हो रहा है, डिल्यूजन। फिर ऐसे देखा, फिर ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे बंसी बजाते दसियों बार, क्योंकि वो मानते नहीं थे कि ईश्वर ऐसे साकार हो सकते हैं। परंतु जब इन्हीं यमुना के लहरों पर भगवान बंसी बजाते हुए नजर आए, तो जो सदा निराकार मानते थे, साकार के संबंध में जिनकी कोई धारणा नहीं थी, काशी के उद्भट विद्वान थे वो, उद्भट। परंतु जब यहां पर देखा यमुना की तरंगों पर, लहरों पर कृष्ण को नृत्य करते हुए, बंसी निनाद वेणु वादन करते हुए, तब उनके मुख से सहसा श्लोक फूट उठा। यही श्लोक जो भी मैंने गाया, बंसी विभूषित करान नवनीरदाभार पीतांबरादय अरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात पूर्णे सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात परं किमपि तत्त्वं अहं न जाने कृष्णात परं किमपि तत्त्वं अहं न जाने। तब उन्होंने कह दिया कि कृष्ण के सिवा कोई और तत्व इस ब्रह्मांड में है, अब मैं नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। पहले कहते थे कि कृष्ण कौन, राम कौन, इस आकार कौन, पर जब यमुना की तरंग पर कृष्ण को नृत्य करते देख लिया अपनी इन्हीं चक्षुओं से, चर्म चक्षुओं से, तब भाषा बदल गई। परंतु वो भगवान शंकर के शिष्य हैं, जब भगवान शंकर के प्रवचन करने का समय आया तो भगवान शंकर ने उनके मत का भी खंडन कर दिया। तो किसी ने कहा, महाराज आप कैसे ऐसे बोल रहे हैं, वहां तो लिखा है कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने। भगवान शंकर ने कहा, वो कौन है, हमरे चेलवे तो बोल ले हो ना, तो चेला बोला तो सही हो गया, गुरु बोली है सही ना हुई, हम गुरु हई।
तो भगवान शंकर ने फिर अपनी गुरुता के साथ गुरु का उद्घोष किया और कहा, न गुरु अधिकं तत्त्वं, न गुरु अधिकं तपः, हरि हरि। न गुरु तप। भगवान शंकर ने कहा, न गुरु से बड़ा कोई तत्व है इस ब्रह्मांड में और न गुरु से बड़ा कोई तप है इस ब्रह्मांड में। इसलिए हे पार्वती, पिछली बार तो चूक गई थी सती के शरीर में, अब मत चूक जाइयो। पिछली बार जब हम गए गुरुदेव भगवान के पास कथा श्रवण करने के लिए, तो आपके हृदय में अहंकार उत्पन्न हो गया। तब अगस्त ऋषि ने जब हमें प्रणाम किया महादेव समझकर, और हमने गुरुदेव समझकर प्रणाम कर लिया, तो तुम्हारे मन में हो गया, ये कै का गुरु होगा जो हमारे ही पति को प्रणाम कर रहा है, चेला है, इसकी कथा हम सुने। जगत जननी जगदम्बा भवानी सती, जब भगवन नाम और भगवत कथा का अनादर गुरुमुख से सुनने के लिए उन्होंने किया, तो शास्त्र प्रमाण है, राम छूटे, महादेव छूटे, फिर शरीर छूटा, माता छूटी, पिता छूटे, बहनें हंसने लगी, दुनिया पराया हो गया। गुरुमुख से उद्धृत भगवत कथा का अनादर करने वाले जीव इस जगत में कभी सम्मान नहीं पा सकते, कभी उनके जीवन में अनाहत नाद, कभी उनके जीवन में आह्लाद प्रकट नहीं हो सकता।